हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम ऑप्शन ए अमीनो एसिड टू प्रोटीन टू डीएनए, ऑप्शन बी डीएनए टू कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ऑप्शन डी डीएनए टू आरएनए टू कार्बोहाइड्रेट। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। सो बेटा, ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दिया किसने था? ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। और इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि पहले होता है डीएनए, उसके बाद आता है आरएनए, उसके बाद बनते हैं हमारे प्रोटीन्स। अब डीएनए में क्या होता है? एक तो सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन। उसके बाद हमारा इस प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस में होता है हमारा ट्रांसलेशन। तो ये है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।